घूमे हमारे हृदय हमेशा हर्ष मनाएंगे। क्रूस है वरदानों का स्रोत सदा मानव का, उससे मानव पाते मुक्ति और शक्ति सदा। हे प्रभु क्रूस हमारे जीवन का शरण शिला, हे प्रभु क्रूस हमारे जीवन का शरण शिला। क्रूस से जीत ही जाए दुष्टों की सब माया। पावन नाम की शरण में तेरे प्रभु हम आए हैं। क्रूस है वरदानों का स्रोत सदा मानव का, उससे मानव पाते मुक्ति और शक्ति सदा। हे प्रभु क्रूस हमारे जीवन का शरण शिला, हे प्रभु क्रूस हमारे जीवन का शरण शिला। क्रूस से जीत ही जाए दुष्टों की सब माया। ईश पिता की पुत्र प्रभु की आत्मा की जय हो। वे तेरी कृपा से बना दे पावन तम कलीसिया, तेरे मान में अर्पित आलय पर तू बरसा। अपनी अनुपम करुणा और दया सर्व सदा, बलि वेदी को बना दे तू सुस्थिर सर्व सदा। जिसपे अर्पण करते रक्त शरीर मसीहा का, आदि से अब और निरंतर आमीन आमीन। प्रभुवर तब कृपा से भजन दिया है तूने, मांगो तो दिया जाए ढूंढो तो मिल जाए। दे दे ऐसी शक्ति और कृपा हम सबको, दे दे ऐसी शक्ति और कृपा हम सबको। तेरी इच्छा पूरी कर ले हम जीवन में। सब जन मिल के कहते हमेशा आमीन आमीन। क्रूस है वरदानों का स्रोत सदा मानव का, उससे मानव पाते मुक्ति और शक्ति सदा। हे प्रभु क्रूस हमारे जीवन का शरण शिला, हे प्रभु क्रूस हमारे जीवन का शरण शिला। क्रूस से जीत ही जाए दुष्टों की सब माया। अखिलेश्वर प्रभु ईश्वर भूअंबर के राजा, सृजनहार के भोज में तुम जो पाए बुलावा सम्मुख आओ। वाणी की ज
ज्योति में जांच करो तुम ध्यान से अपने आप की। सांसारिक सब सोच विचार से दूर हो जाओ। वरदानों का खजाना प्रभु ने दिया है, करुणा से लोगों को आओ अपने पाप ऋणों से मोचन पाओ। शाश्वत स्वर्ग को पाने कर लो पावन अपने मन मंदिर को। नन्हे जैसे निर्मल होकर सब तैयार हो। आत्मा की वाणी मन को देती स्वर्ग के राज्य की वाणी। राह दिखाती शाश्वत जीवन पा जाने को। पूर्व विधान पर छाई तज के पोलोस नव्य विधान अपनाया। प्रेरित जैसे नव्य विधान को तुम अपनाओ। इस्राएल के उत्साही साऊल को था प्रभु ने अपना बनाया। कलीसिया को मिली मिसाल है उसकी ही तो। यहूदी था जब साऊल परंपरा के पर्दे से था अंधा। वचन से प्रभु ने दृष्टि दिलाई तब साऊल को। सलोनिकियों के लिए प्रेरित पोलोस रचित जो पत्र सुनाकर कार्य प्रभु का जो है सिखाता अब तुम सुन लो। ग्रंथों के आरंभ में मेरे विषय में लिखा गया है। इस प्रभु का चरित महा शुभ वाणी जो सत्य वचन प्रेरित होकर आत्मा से रचना की है चारों ने। यहूदी के लिए मत्ती ने रोमी के लिए मार्कुस ने मिश्री के लिए लूकस ने एफेसी के लिए योहन ने। इन
ग्रंथों से तेरा ध्यान, हे प्रभु जी करता इंसान, भू पर करता नित वंदन, भू पर करता नित वंदन। विश्वासी हर्षित होकर सौख्य प्रदायक वाणी, मानव गण को सुत ईश्वर ने मुक्ति दिलाई। जब सुनता प्रभु वाणी तब चुप जाता डर के मारे शैता, सब बाधाएं क्षण भर में ही दूर हो जाती। मृत सुनता फिर से जिंदा होता, स्वर्ग को पाता, जीवित अगर ये वाणी तजता मृत हो जाता। मानव है पाता रक्षा भू पर अपने प्रभु के द्वारा, पाप ऋणों के हर बंधन से मुक्ति दिलाता। प्रभु की मीठी वाणी देती आशीष करुणा और नव जीवन, देती सबको हर पल आश्रय और कृपादान। आशा भरोसा,
पालन करता ईश्वर अपने आश्रित जन को छोड़ न देता। पाप के दागों के संग उनको मरने न देता। याजक तेरे न्याय है धरते संत धरे महिमा भी। याजक इस पर आए पावन तम वेदी पे निज हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर भक्ति से आमंत्रित करता है आत्मा को विनती से। स्वर्ग से आत्मा उतरा और बसा ईसा के तन बलिदान में परिपावन करता है। अखिलेश्वर के तंबू में पहुंचे उसको नमन करें हम। याजक इस पर आए पावन तम वेदी पे निज हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर भक्ति से आमंत्रित करता है आत्मा को विनती से। स्वर्ग से आत्मा उतरा और बसा ईसा के रक्त और तन बलिदान में परिपावन करता है।
पिता की पुत्र प्रभु की आत्मा की जय होवे। याजक इस पर आए पावन तम वेदी पे निज हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर भक्ति से आमंत्रित करता है आत्मा को विनती से स्वर्ग से आत्मा उतरा और बसा ईसा के रक्त और तन बलिदान में परिपावन करता है। आदि से अब और निरंतर आमीन आमीन। याजक इस पर आए पावन तम वेदी पे निज हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर भक्ति से आमंत्रित करता है आत्मा को विनती से स्वर्ग से आत्मा उतरा और बसा ईसा के तन बलिदान में परिपावन करता है। हे प्रभु हम सब सुंदर रचना तेरे हाथों की तेरी ही करुणा का दाया हाथ फैला दे तेरी ही करुणा का दाया हाथ फैला दे हम सारी भेड़ों पर नित आशीष बरसाने तेरी असीम दया से हम सब की रक्षा कर दुष्टों के हाथों में हमको कभी पड़ने न दे। हे करुणामय प्रभु ईसा शिष्यों को जो तूने दिया अपना वादा करुणा से हम लोगों को भी दे दे देखो यह तो निश्चित है आखिर तक इस संसार के तेरे साथ रहूंगा मैं तेरे साथ रहूंगा मैं हे प्रभुवर तू सर्व सदा
शिष्यों के संग वास किया, वैसे हमारे साथ सदा रह कर तू कृपा बरसाना। देखो यह तो निश्चित है, आखिर तक इस संसार के तेरे साथ रहूंगा मैं, तेरे साथ रहूंगा मैं। हे प्रभु वर तू सर्व सदा शिष्यों के संग वास किया, वैसे हमारे साथ सदा रह कर तू कृपा बरसाना। देखो यह तो निश्चित है, आखिर तक इस संसार के तेरे साथ रहूंगा मैं, तेरे साथ रहूंगा मैं। हे प्रभु वर तू सर्व सदा शिष्यों के संग वास किया, वैसे हमारे साथ सदा रह कर तू कृपा बरसाना।